केंद्र एवं राज्य सरकार कोरोना वैक्सीन के आने से पूर्व ही इसके भंडारण की तैयारियों में जुटी हुई है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बीदासर रोड पर कोरोना वैक्सीन सेंटर स्थापित करने के साथ ही वैक्सीन के भंडारण एवं तापमान निर्धारण के लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश चौधरी के अनुसार वैक्सीन की उपलब्धता के साथ ही टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार वैक्सीन ट्रायल के अंतिम दौर में चल रही है और जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिले दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन स्टोर स्थापित कर दिए हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर दानजी की होदी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप ही वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। यहां वैक्सीन के संबंध में आवश्यक तापमान संधारण तथा अन्य व्यवस्थाओं एवं संसाधनों को भी स्थापित किया गया है। साथ ही कोविड वैक्सीन के भंडारण के लिए भी डीवीसी में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही यहां कोल्ड स्टोरेज बॉक्स, डीप फ्रीजर समेत अन्य संसाधनों को भी स्थापित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी के अनुसार सरकार और प्रशासन के निर्देशानुसार दानजी की होदी में वैक्सीन स्टोर स्थापित किया गया है। वहीं वैक्सीन के भंडारण एवं तापमान निर्धारण के लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा निर्देश मिलते रहते हैं कि भाई जिला भी वैक्सीन के लिए तैयार रहे, तो हमने यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन स्टोर की जो हमारे रूटीन वैक्सीन है उसी के साथ ही बिल्कुल वहाँ हमने तैयारी कर ली है उसके भंडारण की। उनके वहाँ पर जो भी मैन पावर लगाना है वो लगा दिया है। वहाँ पर जनरेटर की हमने वो डिमांड करी, वो हमें जल्दी मिल जाएगा, और कुछ सिक्योरिटी पर्सन हमने जिला प्रशासन से मांग की वो भी मिल जाएगा। और इसके लिए हमने जिला टास्क फोर्स तथा ब्लॉक लेवल की टास्क फोर्स, जिसमें जिला प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी भी साथ में जुड़े हुए हैं, वो इस कोविड वैक्सीन में सारा समन्वय स्थापित करके हमारे सहयोग करेंगे। और पहली फेज में, जैसा कि ऊपर से निर्देश है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है वो लगभग हम मानते हैं पूरे बाड़मेर जिले में लगभग 8000 के आसपास है, तो पहली फेज में 8000 के लोगों को प्रतिदिन 100 वैक्सीन एक जगह लगाई जाएगी। तो लगभग ये हमारी मानना है कि हमारे जिले में 103 वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि पीएचसी सीएससी को मानते हैं, तो वहाँ पर हम हमारा वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। वहाँ हमारे वैक्सीनेटर भी उपलब्ध है। वहाँ पर हमारा हेल्थ वर्कर, एक पीएससी में लगभग 25 से 30 हमारा स्टाफ होता है जिसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और अन्य स्टाफ है, उन सबकी हमने कोविन जो हमारा ऐप है उसके माध्यम में लाइन लिस्टिंग कर दी गई है। प्रथम चरण में प्राथमिकता के अनुसार वैक्सीन लेने वाले चिकित्सा कार्मिकों का डेटाबेस तैयार करने के साथ विभाग अन्य कार्मिकों का डेटाबेस तैयार करने में जुटा है। सीएमएचओ चौधरी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग बाड़मेर ने वैक्सीनेशन के लिए समस्त तैयारियां पूरी कर दी हैं। वैक्सीन के आते ही टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा।